तो दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन जेल तो गरीब को मत भेजिए। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि 4 लाख रुपया की बात नहीं है, मौत नहीं, जब आप एक पॉलिसी बनाए तो आप जाप सुप्रीम पप्पू यादव मोतिहारी पहुंच चुके हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। आपको हम बता दें कि उन्होंने 10,000 रुपए पीड़ित परिवार को देने का वादा किया है। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी कहा देर आए दुरुस्त है, क्योंकि उनका शुरू से ही कहना था कि जो लोग शराब पीकर मर रहे हैं उनके परिवारों पर ध्यान दिया जाए और उन्हें अनुदान राशि के तौर पर सरकार से कुछ सहायता राशि मिलनी चाहिए। लेकिन अब नीतीश कुमार ने भी 4 लाख रुपए देने का घोषणा कर दिया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि देर आए दुरुस्त है। वहीं उन्होंने जो लोग ताड़ी बेचते हैं उन पर भी सवाल खड़ा किया है, जो लोग जेलों में भरे गए हैं, जो लोग गरीब हैं उन पर भी उन्होंने सवाल निशान खड़े किए हैं। ताइए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। सबसे ज्यादा आम आदमी मिडिल क्लास के लोग जहरीली शराब पी रहे हैं, तो जहरीली शराब को बंद करना, उसके बाद जो 90% लोगों के हाथ में ड्रग्स जा चुका है, स्मैक्स कोरेक्स जा चुका है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। उसको कैसे रोका जाए, पार्टनर जा चुका है, उसको कैसे रोका जाए। दूसरा चीज़, हमारा डेवलपमेंट का पैसा बाहर जा रहा है, 40-40 हज़ार करोड़ रुपये हम बाहर दे रहे हैं। NDA UPA सब मिल करके ये पॉलिसी बनाया था, शपथ ग्रहण हुआ थी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। हुआ था कि कोई दारू नहीं पियेंगे, 90-95% नेता दारू पीते हैं, पदाधिकारी दारू पीते हैं, सबका जांच करा लीजिए। तो दारू तो रुकी नहीं 7 साल में, डेली ट्रक का ट्रक दारू मिल रहा है, डेली लोग मर रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं कि आप डेली आप एक पॉलिसी, आप जो सही पॉलिसी बनाए थे वो पॉलिसी लगातार जो है उस पर एक बहस का मुद्दा बन चुका है। अब पूरे देश में ये चल रहा है, बाहर से जो व्यापारी आते हैं यहाँ के होटल में नहीं रहते, उससे भी होटल व्यापार खत्म हो गया। यहाँ तो चीनी मिल ही खत्म हो गया, जिससे प्रधानमंत्री चाय पीते, वही माफिया लोग यहाँ से लेके चला गया। तो लोग अब यहाँ पर घूमने उमने के लिए कभी आएंगे तो उसमें भी यहाँ दारू नहीं मिलता है, तो लोग यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि बाहर मिलता है यहाँ नहीं मिलता है। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी आप DSP SP DM की बनाते नहीं है। थाना प्रभारी को सस्पेंड कीजिएगा, वो 5 करोड़ रुपया पहले कमा लेता है, 20 लाख में सस्पेंशन दूर के आ जाता है। तो आप ये तय करिएगा कि उसको कभी थाना नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पर, या उसको डिमोशन कर दीजिए, और DSP को आपको आगे कभी नहीं दीजिए। चौकीदार को सस्पेंड करके, दरोगा को सस्पेंड करके कुछ नहीं होगा, आपको बड़ी मछली को देखना पड़ेगा। इसका बंटवारा पूरे ऊपर से नीचे तक है, नेता से लेकर सब लोग इसमें इन्वॉल्व। तो बात सवाल ये उठता है कि आप जो पॉलिसी बनाए और वो पॉलिसी लगातार समाज उससे प्रभावित हो रहा है, बच्चे होम डिलीवर बॉय बन चुके हैं, लगभग जो चोर उचक्का था साइकिल नहीं था स्कॉर्पियो, अब फॉर्चूनर खरीदने की तैयारी कर ली है। सभी पार्टी के नेताओं से भी बात करिए और आप एक पॉलिसी तब तय करिए। मेरा तो आग्रह होगा, 4 लाख रुपया तो चलिए हम जो डिमांड कर रहे थे आप दे रहे दुरुस्त है, आपने उस बात को स्वीकार किया, 16 के बाद हम करेंगे जो भी 16 ईस्वी से लेके अब तक इतने लोग भरे हैं उसमें करेंगे, ये बड़े पैमाने पर। लेकिन जो लोग डर से नहीं मर गए जहर, अब वो पोस्टमार्टम उसने नहीं कराया, उसको तो कुछ मिला नहीं, संख्या बहुत कम मिली, गिरफ्तारी के डर से किसने नहीं कराया, तो एक तो उसका क्या होगा, उसका तो अब उसको नहीं मिलेगा, तो वो परिवार तो गया, और आगे भी आप इस तरह का डर का खौफ होगा वो परिवार भी गया। जो इसमें मेरा है कि आप 70% टैक्सेस को कर दीजिए, गांव पंचायत में शराब नहीं बिके। दूसरी तरफ ये तय कर लीजिए कि किसी भी कीमत पर 23 साल से कम के बच्चे शराब के दुकान पर उसको शराब नहीं दे, 25 साल कम से कम कर दीजिए या 30 साल कर दीजिए। एक पॉलिसी बना दीजिए कि 30 साल ज़्यादा हो जाएगा कि 26-27 साल के बच्चे जो शराब के दुकान पर जाएंगे उसको शराब हम नहीं देंगे। आप तय कर लीजिए आधार कार्ड पर शराब दीजिए और आधार कार्ड को जोड़ दीजिए आप शराब। सभी दलों के नेता से बात करने की जरूरत है। 4 लाख रुपया आपने पुनर्विचार किया, तो एक बार आप यह भी पुनर्विचार करिए कि लोग जहरीली शराब से भर रहे हैं, इली शराब से नहीं भर रहे, तो इसमें सस्पेंड और डिस्चार्ज होनी चाहिए। जो अंगली शराब है उसको टैक्स बढ़ा करके आप, ताकि लोग हमारे भीतर भी आए और पॉलिसी भी चले।
मैं तो कब से कह रहा हूँ कि 4 लाख रुपया की बात नहीं है, मौत नहीं। जब आप एक पॉलिसी बनाए तो आप वो पॉलिसी जो जिसके चलते मरता है माफिया के चलते उससे पैसा वसूलिए, जिम्मेदारी तय करिए किसी की। और उसके बाद ड्रग्स स्मैक्स फोरेस गांजा ज्यादा आने लगा नेपाल से, 95% यूथ के हाथ में ड्रग्स फोरेक्स वेटनर सोल्यूशन, कौन जिम्मेदार है? स्कूल में, खेत में, सब में, घर से पैसा भी जा रहा है, रेवेन्यू भी खत्म। मेरा आग्रह होगा कि पॉलिसी में थोड़ा सुधार कीजिए, जैसे 4 लाख रुपया हम जो बोल रहे थे वो आप आए तो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जेल तो गरीब को मत भेजिए, जहरीली शराब पर तो अटैक करिए, अटारी तो आप खोल दीजिए, शराब को पॉलिसी के तहत टैक्स को 70% बढ़ा दीजिए। संतना आपके हम आते हैं तो क्या सहयोग रहता है, कहीं आप आए एटीएम लेके कितना करोड़ रुपया आपके यहाँ दिए हैं पता है आपको, जितना मर्डर हुआ मौत हुआ सब में 50,000, 1 लाख आपको पता है। हमसे पूछ रहे हम आए तो हम मंदिर में थोड़े आए आप लोग इतना भगवान भगवान करने, मेरा भगवान तो यही है यही है यही है, मेरा भगवान वो दाढ़ी मोछ वाला हनुमान जो बना दिया आप लोग और तलवार लेके निकल रहे हैं और राम को गायब कर दिए और सीता लक्ष्मण और शत्रुघ्न भरत हनुमान जी को मोछ दाढ़ी बना करके नफरत पैदा कर रहे हैं, वो नहीं है, मेरा भगवान ये है, इसी के लिए आए हैं, इसी को भगवान मानते हैं, भगवान इससे बड़ा भगवान मेरे लिए इस जन्म में कुछ नहीं हो सकता है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।